आखिरकार इसका पहले से बार बार अंदेशा जताया जा चुका था, लेकिन हरियाणा सरकार ना जाट आरक्षण के टाइम हरियाणा के जलने को रोक पाई और ना उसके कोई सबक ले पाई, और ना ही इस बार पंचकुला से। आप देख सकते हैं हर तरफ धुआं ही धुआं। कहां से आए हो आप? पंचकुला में ही रहते हैं। यहां क्या कर रहे थे? यहां को आए थे, काम आए थे, तो यहां को। कहां है आपका स्कूटर? वो साइड में खड़ा है उधर। क्या कर दिया? जला दिया? जला दिया। ये किन के वाहन थे ये जो लोग जले हैं सब? पता नहीं किन के थे। ये तमाम देखिए, तमाम वाहन जला दिए गए हैं, हर तरफ पंचकुला में आग ही आग है, आप देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों को अभी भी कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, अब भी ये डटे हुए हैं। देखिए दूर दूर से आए, ये आतंक है, इसको आतंक कहेंगे हम। ये आम आदमियों के अधिकार पर सरकार उन्हें ना बचा पाई, इसलिए ये सीधे सीधे किस तरह से आसमान में इन गाड़ियों के जलते धुएं की लपटें देखिए। सामने शोरूम है, ये लोगों को रोक नहीं पाई पुलिस। जिधर भी हम जाते हैं वहीं हम आग ही आग देखते हैं। ये जल रहा है पंचकुला, देखिए ये पंचकुला की तस्वीरें देखिए। देखो ये आदमी आया था यहां पे, ये कह रहा है मेरी गाड़ी जला दी, मेरे आने के लिए नहीं है, इस तरह से परेशान है। देखिए ये है, देखिए डेरा समर्थक, मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं जहां पर ये आगजनी हुई है। देखिए मेरे इस तरफ देखिए, अगर मेरे बैकड्रॉप में आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से नजर नहीं आती जमीन, यहां से इतना धुआं उठ रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।